चाय ले ले। हाँ शगुफ्ता, तुम क्या बात करना चाह रही थी वो मैडम फारूकी के बारे में? जी, वो आई थी और बहुत परेशान कर गई। क्या कह रही थी? शादी की डेट मांग रही थी क्या? नहीं, इमाम की बजाय नूर का रिश्ता मांग रही। क्या शगुफ्ता, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? है जो उन्होंने मुझसे कहा मैं वही बता रही हूँ आपको। वो इमाम में क्या कमी नजर आई है उनको? वो कहती हैं कि अरसम इमाम की बजाय नूर को पसंद करने लगा। अच्छा, मेरी बेटियां खिलौने हैं क्या? उनके बेटे जिसको चाहेंगे पसंद कर लेंगे, कभी ये कभी वो। अब वो इमाम की बजाय नूर का रिश्ता मांग रही है। भाई, तुमने उन्हें बताया नहीं कि नूर का रिश्ता तय हो चुका है? ये बात मैं उन्हें बहुत पहले बता चुकी। तो फिर उन्होंने ये बात क्यों की? अच्छी खासी पढ़ी लिखी समझदार औरत है वो, ऐसी नीची बात कैसे कर दी उसने? तुमने अब्बू को बताए तो कि असल बात क्या हुई है? भाई, अब असल बात क्या है वो भी बता दो। मुझसे उन्होंने इसके अलावा कोई बात नहीं की। अब्बू, मैडम फारूकी एक समझदार औरत है, उन्होंने इमाम पर इल्जाम लगाने के बजाय खुद पे इल्जाम ले लिया होगा। क्या इल्जाम लगाना चाहती है वो इमाम पर? अरे भाई बोलो, तुम दोनों माँ बेटियां मुझे क्यों कंफ्यूज कर दी, बताते क्यों नहीं? अभी बताए ना, असल ने क्यों ही माँ से शादी करने से मना की? तुम बता दो नूर, मैडम ने क्या इल्जाम लगाना था इमाम पर? मैं अबू, मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन किसी ने अरसम को बता दिया कि इमाम जुनेद को पसंद करती है, इसलिए अरसम ने इमाम से शादी करने से मना। और सब को ये सब किसने बताया? ये आप लोग अतिया खाला से पूछ लें, वो ही ज्यादा करीब है उस फैमिली से। मैं शायद पहले ही कुछ ज्यादा बोल गई हूँ, मुझे जाना चाहिए। इसीलिए तुम खामोश थी, मुझे कुछ नहीं बता रही। हमारे खानदान का पर्दा तुम्हारी बहन अतिया ने फाड़ दिया है। झूठ बोल रही है नूर। नूर झूठ नहीं बोल रही, हमेशा से तुम्हारी बहन मेरी बेटियों की खुशियों की दुश्मन है, उसी की वजह से मेरी बेटियों की खुशियां छीनी गई। जो कुछ हुआ और जो कुछ होने जा रहा है उसमें अतिया का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, अगर अतिया का कसूर हुआ तो ठीक है, आप जो सजा देंगे मुझे भी कबूल होगी और मेरी बहन को भी।